हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है कद्दू या पम्पकिन या काशी फल या सीताफल की बढ़िया सी लजीज सब्जी। याद बनाएंगे पम्पकिन या कद्दू या काशी फल या सीताफल की सब्जी, तो जिसके लिए मैंने ये इस तरह से बढ़िया सा हरी छाल वाला चितकबरा कद्दू ले लिया है। अब इसको पहले अच्छे से धो के फिर काटते हैं, और इसकी स्किन भी सॉफ्ट है तो मैं इसको स्किन के साथ ही काटूंगी। आज बना रहे हैं कद्दू या पपकिन या सीताफल या काशी फल की सब्जी। तो ये एक पूरा 1.25 किलो का कद्दू था, इसको मैंने पहले अच्छे से धो लिया और छिलके के साथ ही काटा है, क्योंकि इसका छिलका बहुत सॉफ्ट है। और ऐसे भी कद्दू की सब्जी जब छिलका सॉफ्ट हो तो हमेशा छिलके के साथ ही काटे। और ये दो प्याज है, लहसुन बारीक काट लिया है, हरी मिर्च है, ये तड़के में दालचीनी, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च और लौंग है। इसमें 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून मेथी। मेथी का तड़का बहुत बढ़िया लगता है। ये है हल्दी हींग, ये धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक जाएगा स्वादानुसार। और ये है धनिया, तेल को रख दिया है गरम होने। अब अपने सबसे पहले तो डाल देते हैं इसके अंदर, कढ़ाई में बना रहे हैं। और ये सबसे पहले गया राई, मेथी, जीरा, साथ में गया सारा खड़ा मसाला, तड़के को होने देते हैं क्रैकल, और ये सब चीज़ें साथ में ही डाल देंगे, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। और इसको 3-4 मिनट भूनते हैं, इसको तो ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। 3-4 मिनट हो गए हैं, अब डाल देते हैं हल्दी और हींग। इसको एक बार अच्छे से कर लेते हैं मिक्स, और अब डाल देंगे अपना ये कद्दू, और नमक डाल देंगे स्वादानुसार, और इसको कर देते हैं मिक्स। और ये नमक हो गया अपना स्वादानुसार, और ऐसे भी नमक जब भी खाए कम ही खाए। और अब अपने पहले तो इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। इसको मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया है और इसमें बिल्कुल पानी नहीं पड़ेगा। इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के 5-7 से पहले तो 3-4 मिनट पकने देते हैं। अब अपने इसको एक बार चेक कर लेते हैं, अच्छे से कर दिया था मिक्स 3-4 मिनट, इसको 5-7 पे होने दिया। और बस अब इसको चला के मध्यम आंच पे कुक होने तक इसको ढक के पकने देते हैं। आंच को कर देते हैं मध्यम। ये सब्जी बन चुकी आई है, अब इसमें डाल देते हैं मिर्ची, काली मिर्च और धनिया जीरा पाउडर। अब इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। और ये मसाला मिर्ची धनिया जीरा पाउडर डालने के बाद काली मिर्च, इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। और इसको अभी प्रॉपर कुक होने देते हैं। ये लगभग 80% कुक हो गई है, अब बस थोड़ी देर और पकाते हैं। अब अपने सब्जी को चेक करते हैं, ये देखिए एकदम बढ़िया सा कट जा रहा है कद्दू। और अपनी बढ़िया सी कद्दू की रसीली सब्जी बन के रेडी हो गई है। अब अपने गैस को कर देते हैं बंद, रेडी टू सर्व। और अगर आपको ये सब्जी खट्टी मीठी बनानी हो, तो ये जब मैंने 80% कुक होने आई उसी टाइम इसके अंदर खटास के लिए आमचूर पाउडर और गुड़ डाल लें और इसको पका लें, तो बहुत बढ़िया सी लजीज आपकी सब्जी खट्टी मीठी कद्दू की बन के रेडी हो जाएगी। तो आप इस तरह से खट्टी मीठी सब्जी भी बना सकते हैं। और ये कद्दू की सब्जी को मैं इतनी थोड़ी सब्जी को खट्टी मीठी बनाऊंगी, तो ये डाल दिया गुड़ और ये डाल दिया अमचूर पाउडर, और इसको बस थोड़ा सा गुड़ मेल्ट हो जाए और ये मसाला और गुड़ अच्छे से मर्ज हो जाए, तो इसको थोड़ी देर पकाते हैं, तो बढ़िया सी अपनी खट्टी मीठी सब्जी बनके रेडी हो जाएगी।
अपने सब्जी को चेक करते हैं। ये देखिए बढ़िया सी सब्जी, खट्टी मीठी, ये मेल्ट हो गया है। इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स, और अब गैस को कर देते हैं बंद। वो कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी हो गया, बढ़िया सा फ्रेश धनिया, और इसको पूरियों के साथ सर्व करेंगे। और ये कद्दू की सब्जी को मैंने सर्व किया है, ये तगार या गुड़िया शक्कर बोलते हैं, और पूरी के साथ। तो ये यम्मी सी डिश बन के रेडी है, रेडी टू ईट। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।